बाप की फांसी लगने से संदिग्ध मौत, मचो हड़कंप, पन्ना की घटना है। पन्ना में एक वरिष्ठ युवा बाप की पेड़ के फंदे में फांसी लगने से संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। देश की जब पहली घटना हुई है जब एक बाघ की फांसी लगने से मौत हुई है। 104 दिन तक पेड़ में लटको मिलो, इस संदिग्ध मामला की वन विभाग जांच करने में लगो है। एसटीएफ टाइगर टीम एवं बड़े अधिकारी मौका पे पहुंचे हैं और वन विभाग में हड़कंप मचो है। जी हां, पन्ना में 2009 में बाघ पूरी तरह से खत्म हो गए थे। बाघन की दुनिया का पुनः आबाद करवे टाइगर रिलोकेशन प्रोग्राम चलाओगो और दुनिया को सफल टाइगर रिलोकेशन प्रोग्राम रहो है। बाघन की संख्या बढ़ के 50 से अधिक हो गई है, पर अब बाघ मरन लगे हैं। पन्ना में एक युवा बाघ की पेड़ से फांसी लगने से संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जावे से हड़कंप मचो भाव है। उत्तर वन मंडल के पन्ना रेंज अंतर्गत विक्रमपुर की तिलगवा बीट फांसी के फंदा से लटको मिलो, विक्रमपुर नर्सरी के पास ई बाघ के शव मिलवे से हड़कंप मच गयो है। देश की जब पहली घटना हुई है जब कनु बाघ की फांसी लगने से मौत भई है। CCF ने कही है कि हम बड़ी सख्ती से कार्रवाई कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि बाघ की लास्ट 5 दिन पुरानी प्रतीत होता है और 2 वर्ष के नर बाघ की मौत बेहद चिंता का विषय है। मामला शिकार से जुड़ो हो सकता है और इस कारण से वन विभाग भी गंभीर है, पर ये मौत ने कई प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए हैं कि आखिर बाघ कैसे पेड़ से लटक गो और काय लटक गो। जो लगातार बाघन की मौत पन्ना खिलाने खतरा की घंटी है या जो शिकारी आसपास मौजूद हैं उन पे शिकंजा कहने का सुझाव है। ये है और फिर किस तरह से आप लोग क्या कार्रवाई कर रहे हैं? यहाँ देर रात में शेर के मृत्यु की खबर मिली थी और सुबह देखने पे उसमें फंदा लगा हुआ मिला है, तो अभी डॉग स्क्वाड सतना और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के डॉग स्क्वाड ने अभी उसको सूंघ के और वो अभी ट्रैक पे गई हुई है, आगे फिर जो जांच में आएगा वो। ये पेड़ से लटका मिला है, फांसी लगी थी, आश्चर्यजनक घटना, ये अभी जांच का विषय है। अभी पोस्टमार्टम के बाद इस पे हम कुछ कह पाएंगे। एसटीएफ की टीम भी आ रही है? एसटीएफ की टीम आ चुकी है। प्रथम दृष्टया क्या लगता है? निश्चित रूप से फंदा लगा है, संभावना है कि किसी दूसरे जानवर के लिए गाँव वालों ने कहीं फंदा लगाया हो और वो उसमें ये शेर फंस गया। कौन सा शेर है, कहां से कुछ पता चला? नहीं, अभी ये जांच का विषय है, अभी हमने इसके फोटो लेंगे और पन्ना की जो डाटाबेस है उससे हम कंपेयर करेंगे तब हमें जानकारी। हेल्दी नर बाघ है, पता चला हेल्दी नर बाघ है। सर, कौन से बीट का मामला है, कहां पर घटना हुई है? ये तिलगवा बीट है, उत्तर पन्ना वन मंडल का, कक्षर मांग 460। टाइगर की मरना एक बड़ी घटना है, कितना गंभीरता से ले रहे? नहीं, आप तो गंभीरता देख रहे हैं कि टाइगर स्ट्राइक फोर्स आई है, सतना से डॉग स्क्वाड आया, पन्ना टाइगर रिजर्व की टीम आई है और अभी डॉग स्क्वाड अपना काम कर रहा है और जल्दी ही हम इसमें रिजल्ट प्राप्त करेंगे। अगर कोई संदेह इसमें है क्या कुछ? ये जांच का ये विषय है, निश्चित रूप से फंदा है तो इसमें कहीं ना कहीं शिकार किसी अन्य जानवर के लिए फंदा लगाया जाना प्रतीत होता है। पोस्टमार्टम के बाद हम सही स्थिति आपको बताएंगे। निश्चित होगी टाइगर की, इसकी 2 साल के लगभग। निश्चित ही लोग दुखी हैं कि एक इतनी बड़ी घटना हो गई। विभाग भी निश्चित रूप से दुखी है। विभाग कभी नहीं चाहता कि इन वन प्राणियों की किसी प्रकार की शिकार हो और इससे हम और अब इस घटना से सबक लेके हम और गश्ती बढ़ाएंगे। क्या निर्देश और क्या आम लोगों से अपील? आम लोगों से यही अपील है कि वनों की सुरक्षा करें और वन प्राणियों की सुरक्षा में सहयोग करें। अपने इस प्रकार की घटनाओं को पुनरावृत्ति न हो इसके लिए हम समितियों को मजबूत करेंगे, इनसे और बातचीत करेंगे और आपके माध्यम से मैं सभी को ये जानकारी लेना चाहता हूँ। किसी को भी इसके बारे में कोई जानकारी हो, किसी गांव वालों को, तो हमें गोपनीय रूप से खबर करें, उनका नाम गुप्त रखते हुए हम इसमें कार्रवाई करके अपराधियों तक पहुँचना चाहेंगे। अधीनस्थ स्टाफ को क्या आदेश दे रहे हैं? इस घटना की पोस्टमार्टम के बाद हम इनसी की बैठक लेके इनको हम अलग से निर्देश देंगे। सर, आप एक बार नाम बता दें अगर। मैं संजीव झा हूँ, वन संरक्षक छतरपुर। थैंक यू सर, थैंक यू। फिलहाल की खबर में इतना ही, आगे खबरें जान भी कराना चैनल का सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाओ बिल्कुल न भूलें। खास खबर बुंदेलखंड ट्रिपल के संवाददाता राजेंद्र सिंह की, तो ऐसे ही खबरें जान भी कराने बने रहे सिर्फ बुंदेलखंड ट्रिपल पे। शिवांगी तिवारी के साथ जयराम जी की जय बुंदेलखंड।